नमस्कार, मैं सतीश थर्मो इन्वायरमेंटल इंस्ट्रूमेंट से। ये हम लोगों ने एक नया इंस्ट्रूमेंट डिजाइन किया है, मिनी वॉल्यूम कंबाइंड सैम्पलर, बैटरी ऑपरेटेड। ये बैटरी चलता इंस्ट्रूमेंट है और इसके अंदर आप PM10, 2.5 और गैसेस के जो चार नॉर्मल जो सकते हैं वो कर सकते हैं सैम्पलिंग। बहुत कॉम्पैक्ट है इंस्ट्रूमेंट है ये। ये पूरा पैनल हो गया, इंस्ट्रूमेंट का पैनल है। इस वाले बॉक्स के अंदर इसके ग्लास इंपिंजर और ये दोनों इसके इंपैक्टर्स हैं PM10 और 2.5 के। ये इसका आइस बॉक्स है, इसे ग्लास इन पिंचर्स है। ये हमारा गैसेस सिस्टम वाला रेडी हो गया। इसके अंदर क्या है कि हमारा दो लाइन अलग अलग है। ये PM10 के लिए लाइन है और वो वाली लाइन 2.5 के लिए है। ये हमारा गैस का फ्लो सेट करने के लिए है, गैस फ्लो सेट करने के लिए है। और ये हमारा मैनिफोल्ड है जिससे आपको कंट्रोल करना है फ्लो को सैंपलिंग के लिए, गैसेस सैंपलिंग के लिए। ये हमारा फ्लो कंट्रोलर है PM10 के लिए, ये फ्लो कंट्रोलर है 2.5 के लिए। इसके अंदर हर स्विच देख रखा है आपने, एक स्विच इसको स्विच को ऑन करना है आपको और फ्लो कंट्रोल करना है आपको। इसकी सैम्पलिंग फ्लो रेट जो है 5 RPM पर सैम्पलिंग होती है PM10 2.5 की भी। तो सेम है, आपको फ्लो का सेट करना है 5 RPM, देन इसको भी आपको करना है 5 RPM पर सेट करना है। ये आपको गैस सैम्पलिंग करनी है तो आपको ये वाला सिस्टम ऑन करना है। तो अभी इसके अंदर क्या है कि तीन बैटरी अलग अलग लाइन पे हैं, तीन पंप अंदर है, इसके अंदर इनबिल्ट है। ये टाइम के लिए है, आपको जब आपको जैसे ही आपका पूरा रेडी हो जाता है तो आपको इसको ऑन कर देना है इनिशियल टाइम लेके। ये आपका आवर मीटर हो गया। इसका बैटरी बैकअप जो है 24 आवर्स से ज़्यादा है। इससे आप 24 आवर्स कहीं पर लेके जाएंगे इसको सैम्पलिंग इजीली कर सकते हैं। इससे कहीं पर भी रूलर एरिया जहाँ पर लाइट की प्रॉब्लम रहती है, लोग लाइट बल्ले जनरेटर का यूज़ करना पड़ता है, तो उस जगह पर इसको यूज कर सकते हैं इजीली। सेम सिस्टम इसका भी है, इसमें भी फिल्टर लगता है, सेम फिल्टर PTFE का लगता है और GFA लगता है PM10 के लिए 47 mm का और PM2.5 के लिए PTFE 46.2 जो नॉर्मली आप नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट में लगाते हैं वो लगता है। इसमें दो इंपैक्टर दिए हुए होते हैं। अगर आपको सपोज PM2.5 और 10 के लिए दो इंपैक्टर अलग अलग हैं, ये PM10 के लिए हैं
और ये वाला PM2.5 के लिए। इसके अंदर नॉर्मली आपको क्या करना है, यहाँ पर सिलिकॉन ग्रीस लगानी है और इसको इंसर्ट कर देना है इसके अंदर और इसको इसके अंदर डाल देना है। PM2.5 का नीचे रहेगा अगर आपको PM2.5 में करना है। अगर PM10 में करना है तो आपका ये वाला पोर्शन उसमें नहीं लगेगा, PM10 के अंदर खाली 2.5 के अंदर वाला पोर्शन लगेगा, छोटा वाला दो लगेंगे। PM10 में एक लगाना है और सपोज आपको TSP में करना है तो आपको दोनों इंपैक्टर निकालने पड़ेंगे अंदर से इसका। जिस छोटे वाले इंपैक्टर के अंदर बड़ा साइज है वो PM10 के लिए, जो छोटा साइज है वो PM2.5 के लिए। तो PM10 में आपको एक ही लगेगा ऊपर वाले पोर्शन में PM10, और 2.5 में दोनों लगेंगे आपके इंपैक्टर, छोटा वाला और ये बड़ा वाला इंपैक्टर दोनों लग जाएंगे इसके अंदर। और अगर आपको TSP करना है तो आपको दोनों अंदर वाले जो अटैचमेंट है दोनों निकाल कर लग कर देना है तो टोटल डस्ट आपका इसके अंदर आ जाएगा। कॉम्पैक्ट साइज है, ट्रांसपोर्टेशन करना बहुत ईजी है इसका। और ये नॉर्मली इसका बैकअप जो है 24 आवर्स ज़्यादा बैकअप मिलता है इसके अंदर। आपको सैम्पलिंग करनी होगी और लैडर ले जाने में अप्रोक्स इसका जो वेट है वो करीब 15 kg के आसपास इसका वेट है टोटल इंस्ट्रूमेंट्स का। थैंक यू, मुझे लगता है कि आपको ये मेरा इंस्ट्रूमेंट पसंद आया होगा। धन्यवाद। पहुँच पहुँच।